एक सवाल उठाता हूं, अगर उसका मैं भरपूर जवाब दे सकूं तो खात्मा बिल खैर का तलबगार हूं कि आप दुआ फरमाएं। वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ जो वेरी वेरी नियरेस्ट टू हुसैन, क्लोजर टू हुसैन और हुसैन के बाद इमाम, इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वो भी शहीद गई हुई, इमाम जैनुल आबिदीन सैयदुस्साजिदीन, वो शहीद नहीं हुए। जबकि हुसैन के बाद इमाम जैनुल आबिदीन के लेवल का अहले बैत में करबला में कोई दूसरा ना था। तवज्जो चाहूंगा, जिस इमामत पर जैनुल आबिदीन फाइज थे वो इमामत ना अली अकबर के पास थी, ना वो कासिम के पास थी, ना अब्बास अलम बगदाद शाहकारे वफा के पास थी, जो इमाम जैनुल आबिदीन के पास। तो हुसैन को मारना इमामत की वजह से अगर जरूरी था तो इमाम जैनुल आबिदीन को उसके बाद शहीद करना और भी जरूरी था। लेकिन इमाम हुसैन के बाद किसी का शहीद ना होना सबूत है, दलील है कि अगर इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो सब बच जाते। फिर इमाम हुसैन ने शहादत में ताखीर क्यों की? हुर की जगह खुद बह जाते और इमाम हुसैन शहीद हो जाते तो जैसे इमाम हुसैन की शहादत के बाद वक्त का इमाम शहीद नहीं हुआ, ये बच्चे भी शहीद नहीं होते, ना इमाम हसन का बेटा शहीद होता ना इमाम हुसैन का बेटा शहीद होता। फिर इमाम हुसैन ने गर्दन देने में ताखीर क्यों की और बिल्कुल आखिर में क्यों अपनी गर्दन दी? इसका जवाब, तुमने तो अहले बैत को पहचाना ही नहीं, जैसा सोचते हो वैसा उनको भी समझते हो। अरे पाक की औलाद है, पाक है, पलीत की समझ में कैसे आए? आप गौर फरमाए कि जिन मक्के वालों ने पत्थर बरसाए, राहों में कांटे बिछाए, शाबे अभी तालीब में 2.5 साल तक मुहासरे में रखा, आबो दाना बंद, तेरह साल तक मुसलसल जुल्म और सितम ना खत्म होने वाला सिलसिला, लेकिन 8 साल के बाद जब मदीने से मक्का नबी करीम लौटे हैं, मक्के की पूरी रिजिम बदल गई, सारे जालिम सारे अत्याचारी सामने खड़े हैं, मगर नबी सब पर रहमत की नजर डाल रहे हैं। वह अंतुमुत्तलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने माफ कर दिया। जालिमों को माफ करने वाली नजर मिजाज उसी रहमतुल्लिल आलमीन का यह नवासा है जिसका रसूल रऊफुर रहीम है। नहीं चाहते कि कोई बंदा जहन्नम में जाए, उनका नवासा कब चाहेगा? क्या कहने, दुश्मन सही मगर ये जहन्नम की तादाद बढ़ी तो मेरा क्या फायदा? मौका दो सुधरने का, मौका दो संभलने का, अपॉर्चुनिटी दो गाइडेंस पाने का। मकसद ये था, यजीदियों तुम किसी को कत्ल ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी बचत है, फलाह है, बदल दो अपने इरादे को, बदल दो अपने ख्यालात को, अहले बैत के खून से अपनी तलवारों की प्यास ना बुझाओ। खुतबा दिया, समझाया, मौका दिया,
لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ضدی، یہ کلاب الدنیا بھی ہے کلاب النار بھی، یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حور دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وحب دے رہا ہوں، لو میں آوان دے رہا ہوں، لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں، اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی افضل کا خون لے لو، لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا، میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں، مجھے مارنے میں اجلت مت کرنا، اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ تائب ہو جاؤ تو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں، میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں، کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، قاتل حر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے، قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، میرا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا اور قاتل دین کی مغفرت نہیں، لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر ابصار پر بصارت پر پہرا بٹھا دیا، مہر لگا دیا اور حجت تمام ہو گئی، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، جتنی مواقع فراہم کرنے تھے ہو چکے، جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے، لیکن ان مردہ دنوں میں کس سے مس جب کوئی نہیں ہوا تو بالآخر فیصلہ وہی ہوا، اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں، یہ بھی سنا دو یہ سوال، یزید کو کیا چاہیے، امام حسین کا ہاتھ چاہیے تھا نا، بیعت ہاتھی سے تو ہوتی ہے، اور جب امام حسین نے ہاتھ دینے سے انکار کیا تو اس نے فرمان جاری کر دیا کہ صریح لے لو، تو ٹارگیٹ پہ صرف امام حسین تھے، کون تھے زور سے بولو، تو جب سب کچھ سارا سروکار یزید کا امام حسین سے تھا تو اگر امام حسین عاشورے کے دن جس وقت ابن سعد نے پہلا تیر چلایا اسی وقت اگر میدان میں اتر جاتے جو بھی ہوتا شہادت ہو جاتی تو حضرت قاسم بچ جاتے کی نہیں، بولو علی اکبر بچتے کی نہیں، حضرت اور زینب کے بچے اونو محمد بچتے کی نہیں، بولو بچ جاتے ہیں، عباس کے بازو کٹتے یا بچتے، بچ جاتے، اور وہ اس لیے بچ جاتا کہ اتہاس ساکھی کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد ایک بچے کو نہیں مارا، ابن زیاد کو اپنا ٹارگٹ مل چکا تھا، جب تک حسین شہید نہیں ہوئے ایک کے بعد ایک شہادتیں ہو رہی ہیں، حضرت ابن عمر شہید ہو گئے حسین ابھی تک شہید نہیں ہوئے، تو برادران جابر شہید ہو گئے حسین جب تک شہید نہیں ہوئے تھے، بنی اوشجا کے جوان شہید ہو گئے حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے، حضرت جابر کے بھائی لوگ شہید ہو گئے ایک کے بعد ایک، سہیر بن قین شہید ہو گئے، حر بن الرماحی شہید ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، قاسم کی جوانی لٹ گئی، علی اکبر کی تصویر ہٹا دی گئی، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر کو بھی ظالم ہونے نہیں چھوڑا، لیکن جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی
कोई उनके बाद शहीद हुआ? बोलो। जैसे हुसैन की शहादत हुई, सरे पाप को रोके नेजा पे उठाकर, शामे गरीबा मचा कर, जमीन और आसमान को रुला कर, अहले बैत का लुटा हुआ काफिला रवाना हुआ, कूफा की तरफ रवाना हो गए। तो जब तक हुसैन का सर न कटा तब तक सबके सर कट रहे थे। हुसैन का सर कटा, उनके बाद किसी का सर नहीं कटा, यहां तक कि आबिदे बीमार को हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां बांध दी गई, मगर उन्हें भी शहीद नहीं किया गया। मतलब साफ कि अगर हुसैन पहले अपनी जान दे देते तो पूरा कुंभा बच जाता कि नहीं। ये तीसरा अहम प्रश्न इतिहास पूछ रहा है हुसैन से। ऐ आका हुसैन, ऐ मौला हुसैन, ऐ मलजा हुसैन, ऐ सरकार हुसैन, आप पर मेरे माँ बाप मेरे बच्चे कुर्बान। जब आपको पता था कि टारगेट पे सिर्फ आप हो तो आपने अपनी जान देने में इतना डिले क्यों किया, इतनी ताखीर क्यों? सूरज निकलने से लेके जोहर का वक्त जाता रहा, आपने इतनी देरी क्यों? अगर आप पहले कुर्बान हो जाते तो सकीना लतश लतश न करती, आप पहले कुर्बान हो जाते तो अब्बास के बाजू न कटते, आप पहले कुर्बान हो जाते तो कासिम की मेहंदी का असर बाकी रहता, आप पहले कुर्बान हो जाते तो अली अकबर को मिटाकर ज़ैनब का आंसू न बहाया जाता, आप पहले अगर कुर्बान हो जाते तो अब्दुल्ला बिन जाफर के नौनिहाल औनो मोहम्मद को शहीद न किया जाता, आपके घर वाले भी बच जाते, आपके दर वाले भी बच जाते। आका हुसैन आपने ऐसा क्यों किया? जब आप ही टारगेट थे तो आपने ताखीर क्यों की? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। लेट क्यों किया? जब इतिहास ने ये सवाल सर उठा के इमाम हुसैन से किया तो जवाब कहा, सुन, मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा, मैं उनका नवासा हूं जिनकी रहमत अपनों पर भी है गैरों पर भी है, मैं उनका नवासा हूं जो जो मोमिन के लिए भी रहमत है काफिर के लिए भी रहमत है, मैं उनका नवासा हूं जो बरगो समर शमसो कमर सजरो हजर खुशको दर बहरो बर जिन्नो बशर सबके लिए रहमत, और उन्हीं के मैं साया और पढ़ता हूं। इब्ने साद कुछ भी हो नबी का कलमा पढ़ता है, इब्ने ज़ियाद नबी का कलमा पढ़ता है, इब्ने अशास नबी का कलमा पढ़ता है, ये सबके सब मेरे नाना का कलमा पढ़ते हैं, और मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि मेरे नाना का कोई उम्मती जहन्नम में जाए। इब्ने अशास जाएगा तो वो मेरे आका का उम्मती नाना का उम्मती जहन्नम में जाए, हुसैन को बर्दाश्त नहीं। मैंने देख लिया कि ये भटक चुके हैं, मैं समझ चुका था कि इनकी आंखों में लालच का भूत सवार, इनका दिल बदल गया, इसलिए मैंने इन्हें मोहलत दी, मोहलत दी। मैं समझ चुका था कि इनकी तलवारें सैयदों के खून की प्यासी हैं, इसीलिए मैंने कहा, ऐ यजीदियों, अगर तुम हमारा खून बहाना चाहते हो तो लो कासिम को दे रहा हूँ, इन्हें कत्ल करके बुझा लो, अभी भी नहीं बुझी, लो अली अकबर को दे रहा हूँ, इन्हें कत्ल करके बुझा लो, अभी भी नहीं बुझी, लो अब्बास को दे रहा हूँ, इन्हें कत्ल करके बुझा लो, लो अभी भी नहीं बुझी, लो मैं औनो मोहम्मद को दे रहा हूँ, इसे कत्ल करके बुझा लो, अभी भी नहीं बुझी, लो मैं अपने नन्हे अली असगर को दे रहा हूँ, इन्हें कत्ल करके बुझा लो। क्यों? क्योंकि ये सब मोमिन है। क्या है? अब्बास मोमिन है, कासिम मोमिन है, अली अकबर मोमिन है, ईमान वाले हैं, इनका कत्ले मोमिन है बस और कुछ नहीं। अगर मैं हाथ उठा दूं तो मगफिरत का दरवाजा बंद नहीं, नाना की शफाअत कत्ले मोमिन के बाद भी, हुसैन का लब हिल जाए तो सब हिल जाए। मैंने मोहलत दी और यही कहा कि ऐ कातिलों सबको मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, क्योंकि मेरा कत्ल सिर्फ कत्ले मोमिन नहीं बल्कि कत्ले दीन है। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद अगर किसी को शहीद नहीं किया गया
तो इसका मतलब है कि टारगेट पर्सन इमाम हुसैन थे। तो अगर इमाम हुसैन पहले ही शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, कासिम बिन हसन भी बच जाते, अली असगर भी बच जाते, अब्बास और अंबरदार भी बच जाते, आवानो अंसार भी बच जाते, आशिक और चाहने वाले भी बच जाते, अगर जाते ही इमाम हुसैन पहले मोर्चा ले लेते। खुद शहीद हो गए, जैनब के दो फूल शहीद हो गए, और मोहब्बत शहीद हो गए, अली अकबर की जवानी रुक गई, कासिम का शबाब उड़ गया, दूध पीते बच्चे को मार दिया गया, उसके बाद इमाम हुसैन आप जा रहे हैं, क्योंकि आपकी शहादत के बाद जो बचा जैनब बची तो वो बच गई, जैनुल आबदीन बच गए तो वो बच गए, शहीद नहीं हुए, गिरफ्तार हुए। सरकार अगर आपने पहले अपनी गर्दन दे दिया होता तो सब गिरफ्तार होते, शहीद कोई ना होता। इसके पीछे वजह क्या है? हुसैन ने विलंब क्यों किया? हुसैन ने अपनी जान देने में देरी क्यों किया? कई शहीदों के बाद क्यों शहीद हुए? पहले हो जाते सब बच जाते, जैसे शहीद होने के बाद सब बच गए, और पहले शहीद होते तो सब बच जाते। इमाम हुसैन जमीन के लिए कर्बला में नहीं गए थे, दीन के लिए गए, दीन के लिए गए, हर चीज दीन के नजरिए से देख रहे हैं, हर चीज को धर्म की ऐनक लगा के देख रहे हैं, हर चीज को सुन्नत मुस्तफा में देख रहे हैं, मिजाजे नबूवत के सामने रख करके देख रहे हैं। मेरे रसूल को यह बात पसंद नहीं है कि कोई कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में जाए, ऐसा कि जहन्नम से निकाला ना जा सके। रहमतुल्लिल आलमीन है ना, रहमत आलम है ना, पूरी ब्रह्मांड के लिए रहमत है, पूरी धरती के लिए रहमत है, उन्हीं का तो नवासा है, अपने दुश्मनों को भी मौका दे रहा है, अपने दुश्मनों को मौका दे रहा है। मेरे दुश्मनों, किसी को कत्ल मत करो, बहुत बार गुनाह है। खुतबा दिया, समझाया, इत्माम हुज्जत किया, समझाया, अमर इब्ने साद से बात की, समझाया, हुर से बात की, समझाया, इब्ने जियाद तक पैगाम भेजवाया, समझाया और मौका दिया, किसी को कत्ल मत करो। लेकिन जब इमाम हुसैन ने यह देखा और महसूस किया कि यजीदी फौज की तलवारें अहले बैत के खून की प्यासी हैं, ये वापस जाने वाले नहीं हैं, इन्हें हक देखने, हक सुनने, हक बोलने की तौफीक नहीं रही, ये हिंसक कातिलाना अंदाज, खून के प्यासे अहले बैत की लाशों को देखना चाहते हैं, तो इमाम फिर भी मौका दे रहे हैं। देखो ये मेरा हुर है, अपने तलवार की प्यास को इसके खून से बुझा लो, ये इब्ने तीन है, इन्हें शहीद करके तुम अपनी तमन्ना पूरी कर लो। देखा इस पर भी लोग राजी नहीं है, अंसार और मुआविनीन और मुरीदीन की कुर्बानी को भी कबूल नहीं कर रहे हैं, और मारने पे तुले हैं। तो कहा देख, ये मेरे भाई इमाम हसन का नूरानी बेटा है, ये कासिम है, कड़िया जवान है,
कभी कम उम्र है। मैं ये दे रहा हूं, क्या इसकी गर्दन काटने के बाद तेरे तलवार की प्यास नहीं बुझेगी? अगर नहीं रुक रहे हो तुम तो लो, मैं मेरी सगी बहन बिनते अली सैयदा ज़ैनब के दो बच्चे आन और मोहम्मद, इन छोटे छोटे बेगुनाह बच्चों को कत्ल करके तसल्ली कर लो। इस पर भी जब नहीं रुके तो फिर अपना नूरे नजर लखते जिगर दिल का टुकड़ा कलेजे का टुकड़ा अली अकबर, जिसकी शक्ल और सूरत रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती हो, जो हम सभी है पैगंबर हो, शायद जिसकी सूरत देखकर इन्हें कलमा याद आ जाए कि तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, आज मुस्तफा का हम शक्ल तुम्हारे सामने आया। उन्हें भी शहीद कर दिया गया, अब कोई प्यास नहीं बुझी। अली असगर को तड़पता देखकर अब्बास अलम बरदार बर्दाश्त न कर सके, मुश्कीजा उठाया, दरिया के पास पहुंचे, पानी भरा, उनके मुश्कीजे को इतना तीर मारा गया कि सारा पानी बह गया, दोनों बाजू कट गए और आखिर में शहीद हो गए। तब इमाम हुसैन बारगाह खुदा में आखिरी तोहफा पेश करने के लिए अपनी गोद में अपने छोटे बेटे अली असगर गोद में लेके बाहर आए। हुरमला ने तीर चलाया और अली असगर के गले की रग को चीरता हुआ खून का फव्वारा, अली असगर की प्यास बुझ गई लेकिन पानी से नहीं, हुरमला का तीर लगा, रूह निकल गई, प्यास बुझ गई और हाथी के अंदर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने देखा अब बहुत हो गया है, अब तुम किसी मौके के हकदार नहीं हो। मैंने सोचा था कि मेरे आवाम को कत्ल करोगे, अब्बास को कत्ल कर लोगे, कासिम को कत्ल करोगे, अली अकबर को कत्ल करोगे और रुक जाओगे, मान जाओगे, वापस हो जाओगे, तो मैं अली का बेटा हूं, पैगंबर आजम का नवासा हूं। याद रख, जो कातिले कासिम है बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा हरामकार है, लेकिन मैं बख्शवा सकता हूं। अगर तुम अली अकबर को कत्ल करके रुक जाओ तो कातिले अली अकबर जहन्नुमी है, लेकिन मैं तुम्हें जहन्नम से निकलवा सकता हूं। अली असगर का कातिल क्यों? क्योंकि कातिले अली अकबर कातिले मोमिन है, अली असगर का कातिल कातिले मोमिन है, कतले मोमिन गुनाह है, लेकिन बख्शवाया जा सकता है अगर हुसैन तय कर ले। अब कातिले अब्बास कातिले मोमिन है, मुझे मारने में जल्दी न करना, क्योंकि कातिले हुसैन कातिले मोमिन नहीं, दीन का कातिल है, कातिले दीन की मगफरत नहीं हो सकती। बहुत मौका दिया इमाम हुसैन ने।